नमस्कार ज्वार जय हिंद। अभी आप लोग देख रहे हैं नंबर वन न्यूज। तो नंबर वन न्यूज में आप लोग का बहुत ही स्वागत है। तो चलिए खबरों की ओर। हम मेरा परिचय, श्रीमान मनोज मोदी, झारखंड प्रतिभा खोज का वर्तमान में परियोजना प्रभारी तथा भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ नोएडा का प्रशासनिक पदाधिकारी और इवेंट मैनेजर थे, जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह प्रतियोगिता अभी जो रखी गई है, पिछले 2010 से स्टार्ट की गई है और अभी जो वर्तमान जिला है इसका गिरिडीह जिला इनिशिएट किया गया है अप्रैल में 2022 से। और प्रतियोगिता का जो श्रेणी है यह तीन श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका कला संस्कृति, दूसरा छात्रवृत्ति और तीसरा खेलकूद प्रतियोगिता रखी गई है, जिसमें बच्चों का चयन होना है और प्रतिभागियों का चयन ब्लॉक और जिला स्तर पर किया जाएगा। और जो बच्चे चुने जाएंगे या प्रतिभागी चुने जाएंगे, सरकार की ओर से उन्हें छात्रवृत्ति राशि भी प्रोवाइड की जाएगी और ये छात्रवृत्ति राशि जो जिला स्तर पर प्रोवाइड की जाएगी, उनकी राशि जो आवंटित की गई है वो 5100, 7100 और 2500 है, जो कि सरकार जो बच्चे जिला स्तर पर पास करेंगे या क्वालिफाई करेंगे, जो चिन्हित किए जाएंगे, तो उनको ये राशि आवंटित उनके अकाउंट नंबर में प्रोवाइड की जाएगी। और दूसरा हो गया खेलकूद प्रतियोगिता, जिसमें क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और दौड़ की प्रतियोगिताएं रखी गई है, जो कि ब्लॉक स्तर पर आयोजित की जाएगी और ब्लॉक स्तर पर जो बच्चे चुने जाएंगे या प्रतिभागियों का चयन जो किया जाएगा, उनका चयन जो है फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो अपना परफॉर्मेंस देंगे। तो ये नेहरू युवा केंद्र जो सरकार की संस्था है, खेल मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आती है, उनके सौजन्य से करवाया जा रहा है। और तीसरा कला संस्कृति हो गया, जिसमें आपका नृत्य हो गया, संगीत हो गया, ड्राइंग पेंटिंग हो गया, मतलब जो बच्चों में कला छुपी हुई है उनको अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करना है। प्रतियोगिता का मकसद यही है। जो बच्चे चुने जाएंगे उनको फिर सर्टिफिकेट गवर्नमेंट की ओर से और मेडल वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा और कुछ राशि भी प्रोवाइड की जाएगी। तो शेष यहीं पर मेरा नाम, इसके अलावा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है, जो आपका अभी तक मैंने 35,000 से भी ज़्यादा स्कूल्स का विजिट हो चुका है और इसमें जितने भी सरकारी प्लस निजी विद्यालयों के बच्चे हैं बढ़ चढ़ कर अपनी प्रतिभागिता को दिखा सकते हैं, क्योंकि प्रतियोगिता का मकसद जो है प्रतिभागियों में छुपी हुई कला और प्रतिभा को विकसित करना है, जो कि प्रखंड से जिला और जिला और राज्य से फिर नेशनल लेवल पे ही वो बच्चे पहुँचेंगे। और बस यहीं तक मेरी मतलब सारी विचारों को विराम देना चाहता हूँ।